कई साल से कमा लिया, उसके बाद रेट कर दिया। मैंने अधिकारी से कहा, अधिकारी ने कहा मैं बिना मंत्री के पूछे अगर करा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा ये मेरा वादा है, किस मुद्दे पे आकर काम हो जाएगा। कहना चाहूंगी कि वो आए, उसके बाद श्री अब्दुल कादिर जी को कहना चाहूंगी, तेजपाल जी के बाद तरुण राज जी, अब्दुल कादिर जी जो उपाध्यक्ष हैं, आमेर रोड विकास समिति के उपाध्यक्ष अब्दुल कादिर जी, दौलत लोकवानी जी, लक्ष्मण शर्मा जी, सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो एक बार मंच पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। और अब जो हमारे संयुक्त मंत्री हैं आमेर रोड विकास समिति के, श्री डीपी सिंह जी, पहले लक्ष्मण जी को कहना चाहूंगी, लक्ष्मण जी आए हैं, उसके बाद डीपी सिंह जी, अभिषेक शर्मा एडवोकेट, रमेश कुमार सैनी जी, श्री महेंद्र चित्तौड़िया जी जो हमारे संयुक्त मंत्री हैं, मैं इन्हीं को चाहूंगी कि ये अपना प्रशस्ति पत्र लें और साथ ही चाहूंगी कि तालियां भी बजती रहें, क्योंकि ये सम्मान का विषय है और सम्मान में ताली तो बजनी ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सम्मान होता है ताली बजाकर उनका स्वागत करना। साथ ही कोषाध्यक्ष जो हमारे बने हुए हैं वो श्री दीपक गोयल जी, राजेश वर्मा जी, महेश थाबाई जी, श्री अब्दुल रफीक जी, तो मैं चाहूंगी कि वो आए मंच पर और अपना प्रशस्ति पत्र दें। दीपक गोयल जी, राजेश वर्मा जी, महेश थाबाई जी, अब्दुल रफीक जी, और तालियों में कंजूसी नहीं चाहूंगी, ये तालियां बजती रहनी चाहिए, रेगुलर बजती रहनी चाहिए, जैसे मैं रेगुलर नाम बोल रही हूँ ना वैसे तालियों की गड़गड़ाहट भी रेगुलर रहनी चाहिए लगातार। संगठन मंत्री और बुलाना चाहूंगी मैं जो बने हुए हमारे पुरुषोत्तम जी, मनीष पारिक जी, निर्मल दत्ता जी, पुरुषोत्तम हरियाणी जी, मनीष पारिक जी, निर्मल दत्ता जी, कृपया मंच पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंत्री सुनील कुमार वर्मा जी, मैं खुद का नाम भी अनाउंस कर लेती हूँ, स्नेहलता भारद्वाज जी, राजेंद्र जी, धन्यवाद।